तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक नई साइट का रिव्यू लेकर के आया हूँ, जो कि एक लग्जरी साइट है, जिसका मैंने फ्रंट आपको पहले ही दिखाया है। एलिवेशन प्लान, उसके अकॉर्डिंग ये साइट तैयार हो रही है। इसके स्ट्रक्चर प्लान का जो भी कॉपी थी वो मैंने आपको इसमें दिखा रखी, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग ये पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट कराया गया है। तो देखिए, आपको ये प्लाट देखने में कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा लगेगा, उसका रिव्यू ज़रूर मुझे दीजिएगा। जो भी आपको इसमें कमी लग रही हो या जो चीज़ें आपको सजेस्ट करने लायक हो, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सामने का इसका लुक है, और जो फाइनल एलिवेशन प्लान है वो मैंने आपको अपने स्टार्टिंग में वीडियो में ही दिखाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग तैयार की जा रही है। और ये देखिए, इसका लुक इस हिसाब से तैयार। अभी ये पत्थर पेंटिंग का काम बाकी है, और इस पर अभी मैं अंदर भी चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से अंदर पूरा काम इस पर कराया गया है। इस समय पे इस पर फॉल सीलिंग का काम कराया जा रहा है, और ये 60-30 का प्लान पे तैयार कराया हुआ प्लाट है, यानी 200 वर्ग गज का ये प्लाट है, जिसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर प्लान करके और ड्राइंग करके कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी अंदर ड्राइंग। कागज़ पे तो आप लोग स्ट्रक्चर प्लान देखते ही होंगे, ड्राइंग देखते ही होंगे, लेकिन एज उसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पूरी कंप्लीट कराया गया, डिज़ाइन दी गई है वॉल पे, तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट कराया गया है, वो पूरा प्लान आपको मैं रिव्यू के रूप में पूरा दिखा रहा हूँ। और अगर आपको इसका कोई स्ट्रक्चर का या प्लान या फ्लोर प्लान का कोई भी डिज़ाइन चाहिए, तो वो मैंने अपने इस वीडियो में पहले ही ऐड कर दिया है। आप भी इसी के अकॉर्डिंग, यदि आपका कोई 60-30 का प्लान हो और आपको ये ड्राइंग अच्छी लग रही हो और ये रिव्यू अच्छा लगे, तो आप भी इसी के अकॉर्डिंग प्लान के अनुसार अपना मकान बनवा सकते हैं। और ज़्यादा इसमें दो कमरे मात्र दिए गए हैं, एक ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम दे रखा है, एक आगे गाड़ी का पार्किंग दे रखा है, एक बड़ा सा किचन बनाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग एक स्टोर रूम भी इसमें दे रखा है, दो बाथरूम दिए रखे हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा कंप्लीट कराया गया है। धीरे धीरे अब इस पर फिनिशिंग का वर्क चालू है। ये देखिए, पूरा जो कंप्लीट वर्क है, ये फ्लोरिंग का काम चालू है। इसके बाद अभी टाइल पत्थर का काम होगा, वो भी मैं आपको रिव्यू ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। और इस समय तो फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, जो मैं आपके पास तक लेकर के आया हूँ। इस पूरे प्लान को मुझे आपके दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इस पूरे प्लान में सबसे बढ़िया काम ये किया गया है कि इसमें वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, कंस्ट्रक्शन में या मकान में वेंटिलेशन का कितना बड़ा महत्व होता है। तो देखिए किस तरीके से ये इतना बड़ा वेंटिलेशन दिया गया है कि कोई किसी भी कमरे में आपके अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश की रोशनी जा सकेगी, हवा जा सकेगी, और बहुत सी चीज़ों का आपको इसमें फ़ायदा भी मिलने वाला है। बहुत से लोग होते क्या हैं कि प्लान तो तैयार करा लेते हैं, लेकिन जगह को बचाने के चक्कर में वेंटिलेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बाद में उन्हें बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इस प्लान को तैयार किया गया है, और इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। स्ट्रक्चर में भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर प्लान है इसका। मजबूती के हिसाब से 9x12 के बढ़िया स्ट्रक्चर में कॉलम दे रखे हैं, और प्लिंथ बीम बढ़िया मजबूत 9x12 की दे रखी है। तो उसका मैंने एक वीडियो पहले ही डाल रखा था अपने इस चैनल पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा, और हो सकेगा तो उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा। तो स्ट्रक्चर का पूरा ढांचा आपको मिल जाएगा। आगे के फ्लोर का भी प्लान उसी तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग तैयार कराया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा कम्प्लीट ये ढांचा तैयार किया गया है। और कंस्ट्रक्शन का जो भी वर्क था वो इसमें कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत इधर वर्क भले बकाया रह गया हो, इसके बाद अब इसमें। और यदि आप भी इस तरह का स्ट्रक्चर प्लान तैयार कराना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे आपको फ्लोर प्लान हुआ, स्ट्रक्चर प्लान हुआ, हर चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ, कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे शेयर जरूर करें, हो सकता है जानकारी किसी और के काम आ सकती हो। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए अच्छे से वीडियो के साथ में। आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहें।